आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और जिस पर अभी अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। एक कार्यक्रम के दौरान निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी के समर्थकों ने बीजेपी नेताओं को अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाने से रोक दिया, जिसके बाद जिग्नेश मेवाणी के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और हंगामा शुरू हो गया। वैसे मौके पर पहुंची पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी के समर्थकों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के साथ अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। जैसे ही बीजेपी सांसद और नेता अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए आगे बढ़े तो जिग्नेश के समर्थकों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी बहस हो गई। देखते ही देखते मामले ने बवाल का रूप ले लिया और जिग्नेश के समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, काफी समय से बीजेपी के खिलाफ दलित संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने धमकी दी थी कि बीजेपी के किसी भी नेता को अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं करने देंगे। आज जब बीजेपी नेता अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे तो हंगामा हो गया। फिलहाल पुलिस ने जिग्नेश के समर्थकों को पुलिस हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।